हाहा, कैसे हो बच्चों, मन के सच हो। आज हम आपके लिए खुशखबरी लाए हैं, वो बच्चे जो क्लास तीसरी में पढ़ते हैं और मेहरान की ये सीरीज़ इस्तेमाल करते हैं। कौन सी सीरीज़ है जी? मेहरान इंग्लिश प्राइमर बुक 3। ठीक है, आज इसी को पढ़ेंगे, लेकिन मैं तो ये कंप्लीट आपको सिखाऊंगा। इंग्लिश में भी पढ़ेंगे इसको, इंग्लिश उर्दू में भी पढ़ेंगे और जी इसके एक्सरसाइजेस भी करेंगे, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। बस हूँ अकेला, आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह ये मैं जल्द आपके लिए पेश करता रहूँगा, बस आपका साथ चाहिए। देखते हैं कि अच्छा, मैं ये उर्दू में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ, सिंधी में भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी देखना ये है कि सिंधी वाले ज़्यादा देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं, या उर्दू स्टूडेंट्स लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, या मुझे सलाह मशवरे दे रहे हैं। देखते हैं वर्सेस सिंधी वर्सेस उर्दू स्टूडेंट्स। तो अब इसी बुक को मैंने ना अपने हिसाब से, अपने सोच के हिसाब से दो हिस्सों में बांटा है। पहले तो मैं इंग्लिश में इसको रीड करता हूँ, क्योंकि उसमें मैं इंग्लिश और उर्दू तर्जमा नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा? काफ़ी स्टूडेंट्स को मैंने भी पढ़ाया है, ज़ाहिर बात है काफ़ी स्कूल्स में मैं भी गया हूँ, बच्चों का भी पता है, काफ़ी बड़ों का भी पता है, तकरीबन रीडिंग कम करते हैं। क्लियर? यहाँ रीडिंग के हमें तरीके मालूम नहीं होते कि हम अपने रीडिंग में फ्लो कैसे लाएं, एक रवानी कैसे पैदा करें। तो जब मैं इंग्लिश में पढ़ता हूँ तो ज़ाहिर बात है उसमें एक रवानी भी आएगी, फ्लो भी आएगा। उसके बाद इंग्लिश उर्दू तर्जमे के साथ भी पढ़ेंगे हम इसी यूनिट को। ठीक है बच्चों, आएँ अब इसको पढ़ते हैं इंग्लिश में ही। यूनिट 1, The Khanae Kaaba is the home of Allah on the earth. It was built by Hazrat Ibrahim and Hazrat Ismail alayhi islam with the order of Allah. बच्चों आपने क्या नोट किया? हाँ, क्या नोट किया कि मेरे पढ़ने में इतना फ्लो क्यों है? आप कहेंगे सर आप बड़े हो, आप तो ये पढ़ चुके हो। बिल्कुल मैं पढ़ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपको बताऊँगा कि आप के रीडिंग में भी कैसे फ्लो आए। अब यहाँ पे वीडियो को करें पॉज, सोचें कि मैं क्या बताने वाला हूँ आपको। अब भले आप पॉज हटा लो, सोचने के बाद पॉज हटा लो कि आपने क्या सोचा और अभी मैं क्या बताने वाला हूँ या बता रहा हूँ। ठीक है, ओके जी। असल में क्या है कि आप गैर ज़रूरी पॉजेस, मीन्स गैर ज़रूरी जब आप पढ़ाई में रुकते हो, रुक के फिर पढ़ते हो, तो आपका फ्लो ख़त्म हो जाता है। करना क्या है? फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप आपको पढ़ना है, या फुल स्टॉप टू कामा, हल्का सांस लें फिर आगे पढ़ें। क्लियर? या जितने, अगर आप फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप बचे हैं नहीं पढ़ सकते, तो जितनी आपकी सांस आप रोक सकते हो, उस रोकने के वक्त जितना आप पढ़ सकते हो तो पढ़ो, कम से कम तो रवानी पैदा होगी। देखें अभी मैं ही पढ़ रहा हूँ, मज़ा किस में आ रहा है वो आप खुद तय कर लो। दी खाना काबा इज द होम ऑफ अल्लाह ऑन द अर्थ। इट वॉज बिल्ट बाय हज़रत इब्राहिम एंड हज़रत इस्माइल अलैहि इस्लाम विद द ऑर्डर अब अल्लाह। देखें मैं ही पढ़ रहा हूँ, मज़ा आ रहा है, सच बताइएगा मज़ा आ रहा है, कमेंट्स करके बताइएगा। कैसे बताएंगे? कमेंट्स करके बताइएगा। अब देखिए मैं दोबारा इसी को पढ़ रहा हूँ। द खाना काबा इज द होम ऑफ अल्लाह ऑन द अर्थ। देखो फ्लो आ गया ना। इट वॉज बिल्ट बाय हज़रत इब्राहिम एंड हज़रत इस्माइल अलैहि इस्लाम विद द ऑर्डर ऑफ अल्लाह। It is situated in Masjidul Haram in Makkah, Saudi Arabia. Kama hai, rukke, phir wo ada karein aap. It is the Qibla of the Muslims. Ab yahan pe Muslims, English mein pronounce, chunke hum English pad rahe hain, to isko Muslims ya Muslims padhenge. Vaise to hum Musalmani kehte hain.
all Muslims offer prayers facing Kaaba. Muslims from all over the world visit Mecca to perform Hajj and Umrah. It is also called the Baytullah. It is the holiest place for the Muslims on the earth. Every Muslim sincerely wishes to visit it and get forgiveness from Allah. Page ko turn out karte. The fortunate people get chance and feel pride of that. But the non-Muslims are not allowed to enter the city of Mecca. So, bacho, unit samajh mein aa gaya. अब रवानी के साथ पढ़ सकते हो या नहीं? तो वीडियो कैसे लगी? अच्छी लगी तो लाइक कर लें, कमेंट्स कर लें और जी दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वो भी होशियार बन सकें, उनका भी भला हो सके, वो भी एजुकेटेड हो सकें। एजुकेटेड तो हैं माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हैं आप सारे, लेकिन मज़ीद इजाफा हो आपके तालीम में, हमारी दुआएँ हैं आपके साथ। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं अगले यूनिट में, लेकिन इसी यूनिट में इंग्लिश और उर्दू तर्जमे के साथ मिलते हैं। तब तक इजाज़त। यार हूँ अकेला तो जितना जल्दी हो सका मैं ये बुक आपके लिए रिकॉर्ड करता जाऊँगा ताकि आपके पढ़ाई में कोई रुकावट दिक्कत पेश ना आए। बस आपका साथ चाहिए और मुझे हिम्मत देते रहें, मेरी भी क्लास आप लेते रहें ताकि मुझ में भी हौसला पैदा होता रहे और मैं दिल लगा के मन लगा के आपकी पढ़ाई में कोई खिदमत कर सकूं। तो चाहेंगे इजाज़त आपसे। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।